केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। ग्रेटर नोएडा की चिप्याना पुलिस चौकी में आज एक युवक की रहस्यमय हालत में मौत हो गई। युवती को भगाने के आरोप में पूछताछ के लिए इस युवक को बुधवार की शाम घर से पुलिस चौकी लाया गया था। आज परिजनों ने उसके शव को पुलिस चौकी में लटके हुए देखा। परिजनों ने साफ आरोप लगाया है कि उसे छोड़ने की एवज में 5,00,000 रुपए की मांग की गई थी। बुधवार की शाम 50,000 रुपए दे भी दिए गए थे, बाकी 4,50,000 रुपए आज देने की बात तय हुई थी, लेकिन पुलिस ने उसे पीट पीट कर मार डाला। हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए उसके शव को लटका दिया गया है। पुलिस कमिश्नरेट ने तत्काल प्रभाव से पूरी पुलिस चौकी को निलंबित कर दिया है। ACP व SHO पर भी जांच बैठा दी गई है। पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी केस दर्ज होने की बात कही गई है। मारे गए युवक का नाम योगेश है। देखिए, कोई ना होगा, हो जाए काम। आपके यहाँ में हाथापाई करियो। हाँ जी, क्या कर रहे थे तुम रात को, ये बताओ। मिलने मिला दिए रात को, क्या कर रहे थे तुम, यही बताओ। थाने बंद करके से क्या कर रहे थे आप इसको रात को? आपकी फैसिलिटी सुनो, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती नहीं बनती? अरे निकल गया, फोन आया मेरे पे, ठोकन। इस बारे में योगेश के भाई जितेंद्र ने यह कहा। भैया क्या हुआ आपके साथ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र है। जितेंद्र, क्या आप चिप्याने की चौकी पे खड़े हैं? क्यों खड़े हैं? जी, कल मेरे भाई को टालाए थे, इन्होंने मुझसे रिश्वत मांगी, 5,00,000 रुपए दे दो। मेरे 50,000 रुपए ने रात दे दिए, 1,000 रुपए इन्होंने दारू मांगे, और फिर 4,50,000 रुपए मिलकर मैं सुबह दे दूंगा। इन्होंने कहा तेरे भाई को सुबह छोड़ देंगे, और इन्होंने बांस लगा के मार दिया इन्होंने। और सुबह से मैं 6 बजे से खड़ा हूँ, रात में 9:30 बजे तक यही पे भूखा प्यासा मैं, मेरी मम्मी, मेरा भाई, बेटी यही पे। किसने मांगे थे पैसे? इन्होंने मांगे थे, ये दरोगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार।